मामले में मुख्तार अंसारी को ट्रायल कोर्ट से मिली 10 साल की सजा पर सुनाया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला। गैंगस्टर मामले में मिली मुख्तार अंसारी को राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की जमानत मंजूर की। सजा के साथ लगाए गए 5 लाख रुपए के फाइन को भी हाई कोर्ट ने स्टे किया। हालांकि सजा पर रोक लगाए जाने की मुख्तार अंसारी की अपील को हाई कोर्ट ने नहीं माना। हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की सजा पर रोक लगाए जाने से किया इनकार। सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर हाई कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला। हाई कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 20 सितंबर को फैसला कर लिया था सुरक्षित। ये मुख्तार अंसारी को स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट ने गाजीपुर में 29 अप्रैल को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। उस मामले में हम लोगों ने अपील दाखिल की थी और साथ में एक बेल एप्लीकेशन भी लगाया था कि साहब ये जो सजा दी गई है इससे अधिक सजा वो दौरान विचारण ये ट्रायल के दौरान काट चुके हैं, इसलिए तत्काल इनको जमानत पर रिहा कर दिया जाए। अपील की सुनवाई अपने नियमित समय से जब होनी होगी तो होगी। इस मामले में बहस हुई थी और अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज उन्होंने फैसला ये सुनाया है कि ये बात सही है कि वो विचारण के दौरान 10 साल से अधिक सजा काट चुके हैं, इसलिए उनकी जमानत मंजूर कर ली गई। जो जुर्माना 5 लाख रुपये लगाया था उसको भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अगली सुनवाई अपने नियमित समय से अपील की होगी। सर अभी और भी कई मामले हैं जिन पर मुख्तार अंसारी को बेल की जरूरत है या वजह से बाहर निकलने के लिए, तो इसे कौन से मामले और उसमें किस तरह की कार्रवाई? नहीं, उसमें कौन से मामले हैं उसका डिटेल तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन निश्चित रूप से भी कई मामले हैं जिनमें उनको बेल की आवश्यकता है। वो सारे मामले पड़े हुए हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ लखनऊ कोर्ट में हैं। तो जैसे ही किसी मामले में कोई आदेश होगा हम आपको बता दें।